लद्दाख में आकर आज मैं बहुत अभिभूत हुआ। लद्दाख की ये धरती शांति प्रिय और यहां की भौगोलिक स्थिति के बाद भी यहां की जनता जीवंतता के साथ देश और राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई है। लद्दाख और कारगिल की ऊंची पहाड़ियां जिस पर हमारे सैनिक यहां की जनता देश की रक्षा का संकल्प के साथ दुर्गम इलाकों के अंदर जो रक्षा का काम कर रही है, मैं उन सैनिकों और यहां की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं। देश के अंदर लोकसभा सर्वोच्च संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेही से कार्य करे। ताकि देश का लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। पंचायत राज संस्थाएं जो हमारे ग्राम स्वराज के पर आधारित है, महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था कि ग्राम स्वराज और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तभी देश में लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। आज कल सभी पंचायत प्रतिनिधियों से ऑटोनॉमस हिल काउंसिल के सदस्यों से चर्चा हुई, संवाद हुआ और उस चर्चा और संवाद में से हम किस तरीके से इन संस्थाओं में चर्चा हो, संवाद हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो ताकि हम उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवर्तन कर सके। क्योंकि सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत जिसका सीधा जनता से संवाद रहता है, जनता की पहुंच भी ग्राम पंचायत तक रहती है, इससे वहां समस्याओं को जानना, अभावों को समझना और उसके आधार पर कार्य योजना बनाना। लद्दाख में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अभी जम्मू कश्मीर कानून को ही केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद एडॉप्ट किया है, उसमें ग्राम पंचायत है, बीडीसी है, ऑटोनॉमस हिल्स काउंसिल है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर समन्वय से, बेहतर तालमेल से विकास की योजनाएं बनाए, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं के अनुसार काम करें, जो समस्याएं जनता की हैं उनसे संस्थाओं की लगातार नियमित संवाद हो, चर्चा हो। हर संस्थाएं अपने अपने रूल और प्रोसीजर भी बनाए, ये भी हमारा आग्रह है। जहां जहां पर भी राज्य विधानसभाएं हैं उन राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से हमने चर्चा की है कि वह अपने अपनी
क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जिसमें सीधे जनता मतदाता मतदान कर अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है, उन संस्थाओं में लगातार जनता की ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भागीदारी हो, जनभागिता ज्यादा बढ़े, नियमित संवाद हो, चर्चा हो, और उसके साथ साथ सभी संस्थाएं आपस में अपने अनुभवों, विचारों को, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करें, ताकि देश में लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो। लद्दाख यूनिटरी बनने के बाद इस क्षेत्र में काफी विकास की योजनाएं बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी चल रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सोलर पार्क लगेंगे, देश और विदेशी टूरिस्ट यहां पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पर्यटन का क्षेत्र डेवलप होगा, क्योंकि ये सारा क्षेत्र सर्दी के अंदर कोल्ड डेजर्ट के रूप में माना जाता है, तो कोल्ड डेजर्ट को देखने के लिए भी देशी विदेशी पर्यटक और आए, इसके लिए पर्यटन विभाग भी अपनी कार्य योजना बना रहा है। यहाँ पर कई योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं के अंदर टूरिस्ट को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए भी लगातार यहाँ पर सेमिनार चल रही है, लोगों से चर्चा की जा रही है। मैंने देखा कि आने वाले समय के अंदर इन सारे क्षेत्र में पर्यटन गांव की ओर जा रहा है। मेरी आज जब पंचायत प्रतिनिधि से चर्चा हुई तो मुझे लगा कि अब पर्यटन गांव के अंदर जा रहा है, वहां छोटे छोटे रिसोर्ट्स बन रहे हैं, ताकि काफी लंबे समय तक पर्यटक यहां पर रुक सके, कोल्ड स्पोर्ट की गतिविधियां यहां पर बनेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारी लोकसभा की और राज्यसभा की 13 से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 200 से ज्यादा माननीय सदस्य लोकसभा राज्यसभा के श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है, अलग अलग कमेटियों ने सभी स्टेट होल्डरों से, जनता से चर्चा की है, वह भी अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर और यहाँ विकास के नए रास्ते खुलेंगे, ताकि ये धरती जो हमारा सिरमौर है, हम यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को बचाते हुए पर्यटन और इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर सके, यहाँ के आर्थिक सामाजिक विकास में यहाँ की पंचायतों का योगदान रहे, ये सभी पंचायतें यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने, इसलिए यहाँ के उत्पादकों, यहाँ के हस्तकला को देश विदेश में मार्केट दे सके, इसके लिए भी हमारी कई कमेटियों ने चर्चा की है। मुझे आशा है कि इसके परिणाम शीघ्र आएंगे। सर, लद्दाख पूरे देश में एक यूनिट केंद्र शासित प्रदेश है, और खासकर